फ़ोन पे जब कोई सलीम बोलता था या गंगानगर से, पंजाबी लोगों का अलग तरीका होता है ना बोलने का, सलीम ऐसे करके बोला करते थे, तो जैसे ही आता था मुझे लगता था अच्छा गंगानगर से फ़ोन है और कोई मेरे अपने का फ़ोन है, है ना। और उस शहर में मुसलमान थे नहीं, ये सब कहानियाँ वहानियाँ बनाई जाती हैं, गंगानगर शहर में एक मुस्लिम फैमिली नहीं थी। और बनाने की कोशिश करता हूँ, ये तो बात सही है ना, जैसे प्रधानमंत्री अगर कल परसों किले से बोल देते कि मैं अगले साल आने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा अच्छा लगता, वो यूँ बोले मैं अगले साल आऊँगा यहाँ से भाषण दूंगा, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता ना ऐसी बातें कहना, इसे शराफत नहीं कहते हमारे इधर, बाकी तो इस देश में सब चीज़ें चलती हैं। जो और राजनीति से मोह भंग कतई नहीं है, मेरे को तो राजनीति में बहुत आस्था है, मतलब मेरे को मंदिर मूर्ति वगैरह के अंदर कोई आस्था नहीं, मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं नहीं जाता हूँ, राजनीति में मेरी आस्था है। आस्था इसलिए है कि हमारे समाज का राजनीति युग धर्म है। युग धर्म का मतलब किसी भी एज में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो कुछ अच्छा होता है वो उससे होता है। तो एक नानक कबीर के ज़माने में धर्म सुधार युग धर्म था, दयानंद सरस्वती रामोहन रॉय के ज़माने में समाज सुधार युग धर्म था, पिछले 100-150 साल से राजनीति युग धर्म है। इस देश में कुछ भी अच्छा होगा राजनीति में होगा, इसलिए जो सब कुछ बुरा करने वाले हैं वो भी राजनीति में आएंगे, क्योंकि सब गुंडे बदमाश राजनीति में आएंगे, इसलिए सब संतों को भी राजनीति में आना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वो पहले दिन से मेरी आस्था थी, आज भी है। बताता था वो ये सेफोलॉजी का काम आपके टीवी स्टूडियो वगैरह पे करता था, मैं आज भी बैठ के सोचता हूँ क्या करता था, क्यों करता था, मुझे समझ ही नहीं आता इतने साल क्यों लगा दिए। मतलब जैसे ना आपको मान लीजिए कोई आपका स्पेशलाइजेशन हो जाए कि बोतल का ढक्कन आप खोल सकते हैं, और अचानक बोतल का ढक्कन खोलना बहुत बड़ी दुनिया में चीज़ हो जाए, साहब क्या बोतल का ढक्कन खोलते हैं, और सारी दुनिया आपको टीवी पे दिखाना शुरू कर दे कि साहब ये बोतल का ढक्कन बहुत अच्छा खोलते हैं। एक दिन आप बैठ के सोचोगे नहीं कि यार मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ, बोतलों के ढक्कन खोल रहा हूँ क्या। मुझे ऐसा लगा अपनी सेफोलॉजी के बारे में, मैं कर लेता था, ठीक कर लेता था, और मेरी रुचि भी थी और एक वो भी था, एक्सपर्टीज़ था, लेकिन ये तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी ना, ये तो मैं करना नहीं चाहता था। तो बस एक दिन मैंने कहा बस, ये 2012 में राजनीति में आने से पहले 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हमारी भविष्यवाणी एकदम सटीक हो गई थी, राजीव सरदेसाई मुझे बधाई दे रहे थे, मैंने कहा भैया बधाई बाद में देना, कान पकड़े आगे से कभी नहीं करूँगा, बस बहुत हो लिया, ये ज़िंदगी में काम नहीं करना, ये मेरा काम था नहीं। तो इसलिए अब बताने की नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ। है सन 1938 की बात है, मेरे दादाजी हिसार में टीचर थे, वार्डन भी थे, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, और वहाँ फिर एक भीड़ आई, मुसलमानों की भीड़ थी, ये कहने के लिए कि तुम्हारे स्कूल के लड़कों ने ये किया, उन चार लड़कों को हमारे हवाले करो। और मेरे दादाजी ने कहा कि भाई इस वक्त तो उनका माँ बाप मैं हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मारेंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, पर पहले तो मेरा गला काटना पड़ेगा। और एक्चुअली उन्होंने वहीं गंडासे से मेरे दादाजी का गला काट दिया। ये 1938 की बात है, मेरे पिताजी तब 8 साल के रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं सामान्यतः क्या होता है ऐसी बात होने पे, वो सब वो फिर तो हो जाता है ना, ये बदला लेंगे, ये करेंगे, और अगर मेरे पिताजी RSS ज्वाइन कर लेते तो किसी को क्या उसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होती, और मैं भी कोई क्या उनको दोष देता कि भाई ठीक है किसी के साथ जब ऐसी गुजरी है और उसके मन में नफरत आ गई तो आ गई, अब क्या करें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो गांधी का ज़माना था, मेरे पिताजी पे बहुत गांधी का असर था, अभी 2-3 साल पहले उनका देहांत हुआ है, गांधी जी का बहुत गहरा असर मेरे पिताजी के जीवन पे था, उसकी वजह से, और शायद इसलिए भी कि उन्होंने 47-48 में पार्टीशन के दंगे देखे। मेरे इलाके में बहुत भयानक दंगे हुए थे, रेवाड़ी नारनौल इलाके में, तो वहाँ उन्होंने मुसलमानों को मारते देखा, और इधर दंगों में उन्होंने मुसलमानों को मरते देखा, दोनों तरफ से उन्होंने तस्वीर को देखा। तो इसका पता नहीं मिला जुला असर पिताजी पे ये हुआ कि उन्होंने 52 में जब शादी हुई तो मेरी माँ को कहा कि बस एक बात है, जो बच्चे होंगे उनको मुस्लिम नाम दूंगा मैं। सो मेरी माँ ने कहा ठीक है, पर जब वो हो गई हमारी बहन 57 में मेरी बड़ी दीदी की वो हुआ, ये सब मैं इसलिए किस्सा बता रहा हूँ कि लोग इसमें बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाते हैं कि भाई डर गए थे, ये कुछ स्टॉकहोम सिंड्रोम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग कहते हैं, क्योंकि यू नो ये हमारे लिए कल्पना करना असंभव हो गया है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के कातिल से प्रेम करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए कि हम इंसान हैं, हमें उससे ऊपर बढ़ना चाहिए, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गाने अब हमारे कान से निकल गए हैं।
तो पिताजी ने ये कहा, माँ ने बात को मान लिया, पर जब मेरी दीदी पैदा हुई तो उनका नाम नज़मा रखा गया। सो मेरी माँ ने कहा कि देखो ये सब ठीक है, लड़की की शादी नहीं होगी अगर तुम ऐसा काम करोगे, जब लड़का होना बाबा तब सब कुछ कर लेना, लड़की को छोड़ दो। तो फिर हमारी नज़मा दीदी नीलम बन गई, डॉक्टर हैं आजकल, बड़ी दीदी हैं मेरी। फिर छोटी दीदी हुई पूनम, तीसरा मैं हुआ, लड़का था उस पर प्रयोग हो सकता था, सो मेरा नाम सलीम रखा गया। ये कोई मेरा निकनेम नहीं था, ये मेरा प्रॉपर फॉर्मल नेम था जिसको लेके मैं स्कूल गया। स्कूल गया तो आप जैसा कल्पना कर सकते हैं, आजकल जितनी भयावह स्थिति तो तब नहीं थी, लिंचिंग विंचिंग तो नहीं होती थी, लेकिन शाब्दिक लिंचिंग तो होती होगी उस ज़माने में भी। तो वहाँ सब बच्चे मेरे से पूछते थे, मुझे बहुत फेंट सा याद है क्योंकि मैं साढ़े तीन साल की उम्र में स्कूल चला गया था, चार एक साल की बात है। तो बच्चे सारे पूछते थे कि अच्छा तुम तो अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हो, अच्छा तुम्हें सड़क से उठाया होगा, तुम्हें कूड़ेदान से उठाया होगा, अच्छा ये ऐसे कैसे, उन अगर वो देवेंद्र और कमला हैं तो तुम सलीम कैसे हो सकते हो, ये सब। और मैं चार साल का बच्चा था, मेरे से झेला नहीं गया, मैंने घर आके कहा जी मैं अब या तो मेरा नाम बदल दो नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सो पिताजी का जैसा था उन्होंने कहा चलो तुम बोलो, तुम्हारा नाम रख देते हैं। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, माँ बाप नाम रखते हैं, बच्चा अपने आप नाम थोड़ी रखता है अपना कभी, इतनी मेरी समझ थी उस समय। उन्होंने पर्ची डाली और वो उठ गया, योगेंद्र नाम था, मुझे ये क्लियरली याद है, उन्होंने तीन पर्ची डाली थी, बाकी दो क्या था मुझे याद नहीं। मैंने उठाया, योगेंद्र नाम हो गया। तो उस दिन से स्कूल में नाम मेरा योगेंद्र हो गया, घर परिवार और दोस्तों किसी के लिए नहीं बदला, और परिवार के घर के लिए मैं हमेशा सलीम रहा। मेरी माँ भी गई तब उनके लिए सलीम रहा, मेरी बहनों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए आज भी मैं सलीम हूँ। पहले सब बहुत एक अच्छा दुनिया थी, दो हिस्सों में बटी थी। फ़ोन पे जब कोई सलीम बोलता था, या गंगानगर से पंजाबी लोगों का अलग तरीका होता है ना बोलने का, सलीम ऐसे करके बोला करते थे, तो जैसे ही आता था मुझे लगता था अच्छा गंगानगर से फ़ोन है और कोई मेरे अपने का फ़ोन है, है ना। और उस शहर में मुसलमान थे नहीं, ये सब कहानियाँ वहानियाँ बनाई जाती हैं, गंगानगर शहर में एक मुस्लिम फैमिली नहीं थी। और उससे दरअसल मेरा संकट बढ़ा, क्योंकि जब मैंने पिताजी को आके बोला कि भाई मैं ये मुसलमान क्या होते हैं, तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा ऐसे लोग, मतलब काफ़ी थ्योरी व्योरी बताई होगी पिताजी ने, अब चार साल के बच्चे को क्या थ्योरी समझ आए सेकुलरिज्म ये वो मेरे को मस्जिद लेके गए, वहाँ मस्जिद थी एक, अब वो भुतहा मस्जिद थी, खंडहर था, वहाँ एक मुसलमान तो शहर में था नहीं। तो मेरा डर और बढ़ गया कि होना वो मामला गड़बड़ है अगर ये वो तो उस शहर में कोई मुसलमान थे नहीं, सिर्फ सिख लोग हुआ करते थे। अब मेरा बचपन के सारे दोस्त सिख पंजाबी वो हैं, तो जब कभी भी वहाँ से फ़ोन आता है तो लगता है कि एक सलीम नाम मेरे लिए एक मेरे अंतरंग पर्सनल दायरे का नाम था, और योगेंद्र जो औपचारिक रूप से जानते हैं उसका नाम था। फिर पिछले 8-10 साल में मीडिया वालों की और राजनेताओं की ऐसी मेहरबानी हुई कि जो चीज़ मेरे मन में एक बहुत सुंदर स्मृति थी, एक सुंदर पक्ष था, उसको सड़क पे ला के खींच के कीचड़ में धो धो के उसको ऐसा किया कि जब कोई आप जैसा सवाल पूछता है तो मेरे को लगता है अच्छा अगला सवाल ना पूछ लो। सचमुच ये स्थिति हो गई है, जिस बात पे अगर कोई और देश होता, कोई और समाज होता, तो इस कहानी पे फिल्में बनती, मुझ पे नहीं पिताजी पे, कि कोई इंसान ये काम कर सकता है इसके बारे में, ऐसे भी इंसान दुनिया में होते हैं, है ना। और क्या इसके बदले में होता है, यहाँ कीचड़ में धोया जाता है, अच्छा सलीम नाम है, अच्छा ये तो मेवात में कैंपेन कर रहे थे, अच्छा इन्होंने अपना नाम 2014 में बनाया था ताकि इनको वोट मिल जाए। मैंने उनको कहा भैया तुम मेरा एक वीडियो, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वीडियो तो कई आधा बन जाता है ना, मैंने कहा एक वीडियो ले आओ कि मैं इस नाम का इस्तेमाल मेवात में कर रहा हूं। मैं उस दिन से ये इलेक्शन नहीं, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। वो नहीं आया, लेकिन ये चलता रहा।